फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों की तरफ से, लोगों ने बहुत सराहा है इसको, लोगों ने, आप रजिस्टर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों ने इसको कितना पसंद है। वेरी सून हम अपनी एक सेकंड हमारा लाइब्रेरी ऐप भी ऑपरेशन करने वाले हैं। लोगों में जो है ना किताबों का रुझान वो बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कोई यानी कि आपको क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करना पड़ता। अजी मैं इस वक्त इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पे जो है वो एक स्ट्रीट लाइब्रेरी मौजूद है और वहाँ पर मुख्तलिफ मौजूदात पर किताबें मौजूद हैं। और ये स्ट्रीट लाइब्रेरी जो है वो अर्थलिंक और CDA के तामन से यहाँ पर कायम की गई है। और ये मकसद ये था इसको कायम करने का कि जो बुक रीडिंग का कम होता हुआ रुझान है उसको फ़रोग दिया जाए और लोगों को और ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक रीडिंग की तरफ मायल किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ उमेर खान साहब मौजूद हैं जो ये तमाम मामला देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को बुक जो है वो इशू करनी है। मेरे साथ बताइए कितना पेचीदा तरीका है, पेचीदा है या बिल्कुल आसान तरीका है बुक लेने का? बहुत आसान तरीका है ये, बेसिकली सेल्फ सर्विस है, लाइक मैकडोनल्ड ड्राइव थ्रू। आप यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी डिफिकल्टीज आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी मर्जी की जो भी आप बुक लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से अपनी मर्जी की बुक को निकालें, रजिस्टर में अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं, जिस डेट को आप बुक को लेकर जा रहे हैं अपने साथ वो डेट आप मेंशन करते हैं, और जो आपकी 14 डेज का आपके पास टाइम होता है उस 14 डेज में आप अपनी बुक को रीड करके और आप उसको यहाँ पर वापस ला कर रख देते हैं। और उसी रजिस्टर से आप अपना नाम वगैरह और जो डिटेल आपने यहाँ पर मैंशन की होती है उसको आप खुद ही अपने हाथ से काट देते हैं, कट कर देते हैं। अच्छा, आपने तो ये स्ट्रीट लाइब्रेरी कायम कर दी है और आपके पास जाहिर है जो लोग आते होंगे वो आप उनको जानते तो नहीं होंगे, तो अक्सर ये देखा गया कि जानने वाले जो है वो भी किताबें नहीं देते क्योंकि अक्सर लोग जो है वो किताबें लेके फिर वापस नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आई होगी, मेरे साथ भी आई है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ? सर प्रॉब्लम इतनी ऐसा खास तो नहीं आई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं 100 में से कोई 4-5% आई है। अल्लाह का शुक्र है हमें इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों की तरफ से, लोगों ने बहुत सराहा है इसको, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। और अभी तो आप ये कोसार में मेरे साथ खड़े हैं, अभी इसके बाद इंशाल्लाह हम वेरी सून हम अपनी एक सेकंड हमारा लाइब्रेरी F6 मार्केट के अंदर बिल्कुल कॉफी बीन के ऑपोजिट है उसको भी ऑपरेशन करने वाले हैं, और एक थर्ड स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया लाइब्रेरी का। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम इंशाल्लाह शहर के अंदर मजीद जगहों के ऊपर भी हम इसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने लाइब्रेरी कायम की है इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? सर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए इसको बनाने का एक बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि लोगों में जो है ना किताबों का रुझान वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो किताब के शौकीन हैं, अब आपको पता है लाइब्रेरीज इस्लामाबाद के अंदर भी हर शहर के अंदर होती है, एक मखसूस उनकी जगह है, लेकिन उनका अपना एक जो है ना पूरा प्रोसीजर होता है, आपको वहाँ पे जाके उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है या उनका जो भी उनका क्राइटेरिया वगैरह होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पे आपको कोई यानी कि आपको क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करना पड़ता, आप आके अपनी मर्जी की बुक लेते हैं और आप यहाँ से चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अगर आप मुझसे पूछें तो आप रजिस्टर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों ने इसको कितना पसंद किया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके पास बुक्स हैं ये कुछ तो आपने परचेज की होंगी, जाहिर है कि आपको जाहिर है लाइब्रेरी जो है वो बनानी थी, तो लोग डोनेट भी कर रहे हैं? सर इसमें जो बेसिकली हमारे साथ जो इसमें लाइब्रेट किया वो है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इस्लामाबाद, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इस्लामाबाद है उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया, वो भी बेसिकली इसके अंदर हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल है। बुक्स वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी से हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, हमें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये हेल्प यानी कि मिल जाती है बुक्स के मामले में। बाकी लोग भी डोनेट कर रहे हैं और अगर कोई बंदा डोनेट करना चाहता है तो वो बिल्कुल डोनेट कर सकता है। आप आएँ यहाँ पे बुक रखें और आप यहाँ पे एक नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दें मुझे, तो आप बुक यहाँ पे जो बंदा जितनी मर्जी बुक चाहे जिसकी कैपेसिटी एक बुक की है या किसी की 10 बुक की है किसी की 50 बुक की है जिसकी जितनी भी है वो डोनेट कर सकता है। अच्छा, आखिर में आपको पैगाम देना चाहेंगे? सर आखिर में मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसका ख्याल रखें, जैसे कि आप लोग अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं वैसे ही इसका ख्याल रखें और वैसे ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इसको लेकर आगे चलें, हम सब मिलकर इंशाल्लाह चलेंगे और इसको किताबों के रुझान को दोबारा से बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा है कि सब लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डालना है और किताबों का जो शौक़ है, जो बुक रीडिंग का शौक़ है उसको फ़रोग देने के लिए सबने अपना हिस्सा डालना है, और किताबें जो हैं वो डोनेट भी की जा सकती हैं ताकि और लोग भी जो किताबें आप पढ़ चुके हैं
उनको डोनेट कर दें ताकि और लोग पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को पाकिस्तान नाव के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।